गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रही है, एक बार कमेंट कर दीजिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो और वीडियो क्लियर है सभी के पास, एक बार प्लीज सभी कमेंट कर दीजिए ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार साथियों। चलो साथियों, ऑडियो वीडियो सभी के पास क्लियर है। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर, और आप सभी को पता है, और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं, आपका एग्जाम डेट 21 फरवरी को ही है, ध्यान रखना, सभी को ध्यान में रखना है। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है डेट चेंज होने की, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जाम होगा आपका वो 13 जून से होगा, सभी को ध्यान में रखना है। और जो भी सेट की तैयारी कर रहा है उन सभी को बता देता हूँ दोस्तों, यह फर्स्ट पेपर जो आपका रहता है वो सेम डिटो इसी प्रकार का रहता है, थोड़ा लेवल कम आता है, लेकिन कई बार तो क्वेश्चन सिर्फ यूजीसी नेट के ही उठ के आते हैं इसमें, ठीक है। चलो, डर है सभी की, चलो अच्छी बात है। चलो एक बार क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, जिससे वापस से बच्चे आ जाएं, ठीक है। किसी टेक्निकल इशू की वजह से दोस्तों आप में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम आती है टेक्निकल इशू की वजह से, देखो हम कुछ नहीं कर सकते, टेक्निकल अपनी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से तो फिर प्रॉब्लम आ ही जाती है, ठीक है, उसमें तो फिर किसी का वो नहीं होता, ठीक है। चलो उस पे जोर नहीं चलता। यूजीसी नेट 2023 के लिए अगर आप ऑनलाइन क्विज देना चाहते हो दोस्तों, 12 बजे क्विज होती है, सभी को अटेंड करनी है, ठीक है, सभी को अटेंड करनी है। और ये अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ज्वाइन करने में, तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी क्लासे हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ी बातें कम करेंगे क्योंकि वैसे भी 10 मिनट लेट हैं हम। चलो, तो ये क्लास की इंफॉर्मेशन थी, और ये सभी आपको एग्जाम के बारे में भी पता होना चाहिए। 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, 21 से 11 मार्च के बीच में एग्जाम रहेगा, 8 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। जो भी मेरे साथ नए विद्यार्थी जुड़े हैं उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी क्लासें 2 जनवरी से हुई है वो सभी क्लासों के बारे में मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी है, डेट वाइज आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास कब हुई थी, ठीक है। चलो, तो ये भी आगे की क्लासें हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो सभी मैंने यहाँ पर दे दी है, ठीक है। आज जो क्लास होगी दोस्तों वो लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड पार्ट होगा। पहले पार्ट में अगर जिसको भी कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आई है ग्रुप में शेयर कीजिए। जब ग्रुप में आपका आंसर नहीं आता है तो मैंने कहा था उसी पे आप सभी के पास जो नंबर दिए हुए हैं पहले ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। ग्रुप के बाद में अगर किसी का भी आंसर नहीं आया हो तो फिर आप उसे मैसेज कीजिएगा, जिससे फिर मैं आपको उसका आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, ठीक है, मैं बता दूंगा आप सभी को, ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो सभी क्लास को एक बारी शेयर कर दो, जिन्होंने लाइक नहीं की क्लास को लाइक कर दो शुरू करने से पहले, ठीक है। पर पहले काम तो ये कर दीजिए कि शेयर कर दीजिए, क्योंकि विद्यार्थी अभी उतने नहीं है जितने हमारे रोज रहते हैं, ठीक है, तो पार्ट सेकेंड है, फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। शुरू करने से पहले सबसे पहले बेसिक काम यही रहेगा अपना, पहले ये चारों डायग्राम आपको बनाने आ जाने चाहिए, इनको अच्छी तरह समझ लो, चाहे बाद में कर लेना पूरे क्वेश्चन, लेकिन इन चीजों को अगर आप अच्छी तरह समझ चुके हो तो फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपको देखो, दो अगर किसी भी डायग्राम होता है, कोई भी डायग्राम, ठीक है, तो कोई भी डायग्राम होता है उसका संभावना का भी डायग्राम बना दो, ठीक है। अगर उस संभावना वाले डायग्राम में और जो कथन दिया हो गया है वो दोनों में अगर सही हो रहा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। वो दोनों में अगर आपका आंसर सही हो रहा है, सुटेबल हो रहा है, दोनों में बैठ रहा है, तो आपका आंसर वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर एक में सही और एक में गलत आए तो दोस्तों समझ लेना कि वो ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, दोनों में राइट होना चाहिए, क्लियर है सभी को। और देखो, किसी किसी चित्र में देखो कुछ सभी एस पी है, तो इसका ये दो ही प्रकार के डायग्राम बनेंगे, इनके अलावा और कोई डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। और मैं बात करूं कुछ एस पी है तो इसमें भी आपके पास तीन डायग्राम बनेंगे, इन तीन डायग्राम के अलावा आप कोई भी डायग्राम नहीं बना सकते अलग से, ठीक है। इस कुछ एस पी है, इसके तीन डायग्राम से ज्यादा आप डायग्राम नहीं बना सकते, क्लियर है सभी को। और इसके आंसर भी आप देखते चलिएगा, ठीक है। आपको तीन चार प्रकार से ही क्वेश्चन बनते हैं, सभी एस पी है, कुछ ऐसे पूछ लेते हैं,
कुछ एसपी है तो आपको कुछ ऐसे भी पूछ लग सकते हैं, कोई एसपी नहीं है और कुछ एसपी नहीं है, यही प्रकार के आपको सारे ऑप्शनों में देखने को मिलेंगे। जो आपके पास कथन दिए होते हैं इसी प्रकार के पूरे कथन होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। और निष्कर्ष आपको इस टाइप के, इनके बाहर कोई निष्कर्ष नहीं होता, ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रख लो। अगर ये बेसिक चीजें आपको इंफॉर्मेशन के लिए समझ में आ चुकी है, ठीक है, कोई एसपी नहीं है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम बनेगा दोस्तों, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप और कोई भी डायग्राम इसका नहीं बना सकते, क्लियर है। अगर ये चीज आपकी कंप्लीट है तीनों चारों, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर आपका बनता है कुछ एसपी नहीं है, तो इसका आपको देखो एक प्रकार दो तीन प्रकार से इसका डायग्राम बनता है, इन तीन के अलावा आपको कोई डायग्राम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बेसिक चीज मैंने आपको कल भी सिखाई थी और आज भी मैंने और भी खुल के बता दिया है, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्लियर है। हाँ, क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं है, कैसे नहीं है, मैंने कल भी आपको क्वेश्चन दिए थे, करीब 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 20-25 के करीब क्वेश्चन थे कि नहीं, ये बताइए, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन भी दिए थे आपको, ठीक है, क्वेश्चन भी करने के लिए दिए थे। तो जिसके पास पीडीएफ नहीं है, ठीक है, जिसके नहीं है उसके पास शेयर कर दो। मैंने वैसे तो ग्रुप बना रखा है कि उसके अंदर आप सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वैसे भी आपको पीडीएफ मिलती है सभी को, साइट पे भी है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी दी हुई है, ठीक है, और आपको वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाती है। अब तीन जगह आपको मिल रही है तो फिर भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्वेश्चन मैं देता हूं करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कठिन होता है ये समझने में। अगर ये देखी जाए, अगर मैं सारा करवाता, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का अगर मैम नहीं करवाती तो दोस्तों हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाता, और उसमें क्या होता कि हमारा कम से कम 10 दिन के करीब हमारी लॉजिकल रीजनिंग चलती और हमारी कवर भी नहीं हो पाती। तो आपके इन्हीं क्वेश्चनों में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने ये टॉपिक ले लिया है, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल सेशन आप उसे कर सकते हो आसानी से, ठीक है। कौन सा वाला? लास्ट वाला, लास्ट वाला डायग्राम देखिए, इसमें यह कह रहा है कि कुछ एस पी नहीं है। देखिए इसमें एक तो होता है परफेक्ट डायग्राम जो आप बनाना चाहते हो, ठीक है, एक तो डायग्राम आप सीधा ही बना लोगे कि कुछ एस पी नहीं है, तो आप ऐसा ही डायग्राम बनाओगे, ये ऐसा ही बनाते हो ना कि कुछ तो एस पी है और कुछ एस पी नहीं है, ठीक है, ये बन गया आपका डायग्राम, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों यही डायग्राम हो, ठीक है, इस प्रकार का भी तो हो सकता है, यानी कुछ एस पी नहीं है, पी को थोड़ा अंदर रख दो, ठीक है, एस को बाहर रख दो, तो इसका भी मतलब तो यही होगा ना दोस्तों कि कुछ एस आपके पास पी नहीं है, तो आपके पास इस प्रकार का सही है कि सभी पी तो एस हैं, लेकिन सभी एस क्या है, पी नहीं हो सकते, सही है कि नहीं है, आप ये बताइए, ये बात इस, ये डायग्राम बना सकते हो कि नहीं बना सकते, ठीक है। ये तीनों डायग्राम आपके बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये डायग्राम तो बना सकते हो ना। अब डायग्राम बना सकते हो तो कोई बात नहीं है, अब जो भी आपके पास निष्कर्ष दिए जाते हैं, कंक्लूजन दिए जाते हैं साथियों, तो उस कंक्लूजन को ध्यान में रखिएगा, अंतिम के कंक्लूजन भी देख लीजिएगा। इस प्रकार के कंक्लूजन दिए होते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि पहला कंक्लूजन दिया हुआ है कि कुछ पी एस नहीं है, क्या ये बताइए, कुछ एस इसमें पी नहीं है क्या, इसमें कुछ एस पी नहीं है क्या, है ना, तो इसमें तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरे डायग्राम में ये सही है कि नहीं है, ठीक है, कुछ पी एस नहीं है, ये बताइए इस डायग्राम में जो आपका ये कथन है वो सही है क्या, नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि सभी पी एस हैं, तो इसमें तो कहा गया है कि कुछ पी एस नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या कुछ पी एस नहीं हो, पूरे जब हो, जब आपके पास पूरे ही पी अंदर एस के अंदर है, तो ये कथन तो आपका गलत होगा नॉर्मली तरीके से, ठीक है। अच्छा इंग्लिश के कोई बात नहीं है, सम पी नॉट एस, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन। अभी इसमें तो क्या है, नॉर्मल तरीके से इसको तो आप इंग्लिश में आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी कोई बड़ी लैंग्वेज में हो तब तो आपको प्रॉब्लम भी आए, इसमें तो कुछ सम, ठीक है, नो, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपके इसमें तो पहला तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है, रॉन्ग है पहला। दूसरी बात करते हैं, कोई पी एस नहीं है, अभी इंग्लिश में है सारे क्वेश्चन, ये तो मैंने बस ओनली ऑर्डिनरी समझाने के लिए बताया है, ठीक है। चलो बिल्कुल बिल्कुल, चलो दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा है,
कोई पीएस नहीं है। तो मैंने तो आपको पहले भी एक चीज कही थी कि अगर आपके पास सभी पॉजिटिव में हो, यानी आपके पास जो स्टेटमेंट अगर सभी पॉजिटिव में हो, तो आपके पास कोई भी अगर कंक्लूजन निकलता है वो हमेशा नेगेटिव में निकलता है, तब भी आप इसमें कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है तो आपका जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव में भी आंसर हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, कोई पी एस नहीं है। एक बात बताइए, यहाँ पर कोई भी पी एस नहीं है क्या? नहीं है क्या? है ना, तो फिर आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं अंतिम वाला, कुछ पी एस है या इसमें कुछ पी एस है, बिल्कुल इसके अंदर सही है आपका। दूसरे में देखते हो कुछ पी एस है क्या, बिल्कुल इसके अंदर भी है, बिल्कुल। लेकिन यहां पर देखिए तीसरे डायग्राम में कुछ पी को आपने अलग ही कर दिया, क्योंकि इसमें तो कुछ कहा गया है ना, कुछ एस पी नहीं है, तो आप इसे अलग भी रख सकते हो, इस प्रकार डायग्राम भी बना सकते हो, कुछ पी एस है, ठीक है, तो और कुछ पी एस नहीं है, तो इस प्रकार का भी डायग्राम बनेगा, तो आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बताइए यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, ये वैसे भी मैंने कल आपको सिखाया है, ठीक है, हाँ, और मैंने आज भी एक बार रिपीट कर दिया है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ऑप्शन को ध्यान में रखना है, कथन भी आपको दिए हुए हैं, इसी प्रकार के सारे ही दिए होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के दिए होते हैं, तो आपके पास डायग्राम भी इसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगले हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि एक तो आपके पास सकारात्मक यानी पॉजिटिव में दिए हुए हो, आपके पास जो स्टेटमेंट दिए हुए हो पॉजिटिव में हो, और मैंने कल इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करने के लिए दिए थे, अच्छी तरह समझाया भी था, ठीक है। फिर भी मैंने कहा था अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज कीजिएगा, ठीक है, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको तुरंत उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं, आज मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, क्लास होने के बाद में, तभी मैं थोड़ा बता दूंगा आपको, ठीक है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। चलो यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि सकारात्मक व नकारात्मक दोनों कथन हो, यानी आपके पास जो स्टेटमेंट दिया हुआ हो साथियों, उस स्टेटमेंट के अंदर आपका एक तो पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, उस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है वो हम आज सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम जो कल क्लास होगी हमारी वो होगी कल संभावित निष्कर्षों वाली, यानी जो पॉसिबिलिटी होती है किसी भी आपके पास जो स्टेटमेंट दिया होता है वो क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ और सिर्फ टाइप टू करेंगे, इसमें आपका जो आपके पास सकारात्मक होते हैं नकारात्मक होते हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है वो हम आज सोल्व करने वाले हैं। पहला एग्जांपल, पहले यही चीज समझ लीजिए, आइदर और वाले की कंडीशन मैंने कल भी बताई थी, आज बार एक बार और बता देता हूं जिससे आप सभी का रिविजन हो जाएगा, साथ में आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। देखिए आपके पास स्टेटमेंट दिया होता है और स्टेटमेंट आपके पास कितने होने चाहिए साथियों, दो स्टेटमेंट आपके होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम आपके दो तो स्टेटमेंट होने ही चाहिए, तीन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता चल जाएगा, लेकिन आपके पास एक से काम नहीं चलेगा, दो तो आपको जरूरी है स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपके दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन की बात करता हूं तो आपको कंक्लूजन या तो दो देखने को मिलेंगे या चार देखने को मिलेंगे, ठीक है, तीन भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो बेसिकली चीजें हैं जो आपको पता है कि आपके पास स्टेटमेंट भी दिया जाता है और कंक्लूजन भी। अब सबसे पहले काम, आपको मैंने कहा दो होने चाहिए यानी पेयर होने चाहिए, तो दो का पेयर बनेगा, पहले तो काम क्या होगा, दो का पेयर बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात तो हमने कर ली है पेयर बनाने की, ठीक है, दोनों का पेयर होना चाहिए, बना दिया पेयर। दूसरी बात इसमें क्या होनी चाहिए साथियों, दोनों जो पेयर हैं आपके रोंग होने चाहिए, यानी कि आपका जो कंक्लूजन होगा, ठीक है, कंक्लूजन की कहानी है, कंक्लूजन जो आपके पास दिए होते हैं चाहे दो हो चाहे चार हो, दो का तो पेयर बनना चाहिए, ठीक है, और दो के अंदर आपका क्या होना चाहिए, दोनों पेयर आपके गलत होने चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी डायग्राम के अकॉर्डिंग दोनों आंसर क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये दोनों संभावित होना तो सही होने चाहिए, संभावना में तो आपके सही हो सकते हैं, लेकिन जो आपके ऑप्शन चित्र दिया हुआ है उसके अंदर आपका गलत होगा, समझ रहे हो, क्वेश्चन भी मैंने दिए थे कल भी करने के लिए, ठीक है। इसलिए आपके क्या होने चाहिए, दोनों ऑप्शन आपके क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, लेकिन आपकी पॉसिबिलिटी बननी चाहिए, दोनों की क्या होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए सही होने की, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरी बात उसमें क्या देखोगे आप, तीसरी बात ये देखना है आपको, कंडीशन उसमें सेकंड ये होनी चाहिए कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखिए जैसे मैंने कहा सम ए आर बी,
ठीक है, तो ये जो से एलिमेंट है ना वो दूसरे जो आपके पास दूसरा कथन होगा उसमें भी ए और बी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ए दे दिया यहाँ पर सी दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एलिमेंट आपका ए है और बी है वही सेम एलिमेंट आपके दूसरे के अंदर होना चाहिए, ठीक है। दोनों निष्कर्ष में यानी दोनों कंक्लूजन के अंदर आपके सेम होने चाहिए। यहां तक सभी का क्लियर है? ठीक है, ये रिवीजन करने का यही मतलब है कि जिसको नहीं समझ में आया, जो नया विद्यार्थी है उसके भी ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। बिल्कुल डायग्राम सोल्व हो पाएगा, अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन दूंगा, अभी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, यानी आपकी क्या होनी चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेम एलिमेंट। फोर्थ आपकी तैयारी होनी चाहिए, फोर्थ में एक तो आपके पास पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी पहले वाला ऑप्शन या दूसरे वाला, एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए एक आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो ये आपकी इसमें आइदर और वाले कंडीशन ये बनती है, जहां भी आपको या ऑप्शन दिया जाता है ना, या तो फर्स्ट फर्स्ट या सेकेंड, जब आपका जाके कौन सा आंसर आता है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको क्या कराने, आइदर और वाली स्थिति को ध्यान में रखना है, ठीक है, जब दोनों ही गलत होते हैं और लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। ये मैंने फिर से रिवीजन करवा दिया है, अब जाके और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो बार रिवीजन, और ये सभी बातें मैंने ध्यान रख दी है कि पहला आपके पास सम में दिया होता है, दूसरा नो में दिया होता है, दिया होता ना, जैसे मैंने लिख दिया है यहां पर कुछ ए बी है, ठीक है, और यहां पर लिख दिया मैंने कोई ए बी नहीं है, ठीक है, इस प्रकार का होना चाहिए। तो दोनों आपके हो चुके हैं, सम ए इज बी, ठीक है, इस ध्यान रखना, और यहां पर लिख दिया कि ए नो बी, ठीक है, यानी आपके पास ए नहीं है बी, ध्यान रखना इस बात को भी, ठीक है। अगर आपके पास इस प्रकार दिया जाता है, पहले में सम दे दिया है कुछ ए बी है, ठीक है, इस प्रकार दे दिया है कुछ ए, आपके पास क्या है बी है, और आपके पास यहां पर कुछ लिखा हुआ है कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, इस प्रकार का भी आपको दिया जा सकता है, सम भी दिया जा सकता है, सम नोट भी दिया जा सकता है, इस प्रकार का भी, ये भी ध्यान में रखना है। जब भी आपको इस प्रकार का दृश्य नजर आए, समझ लेना कि इसमें आइदर और वाली कंडीशन है, ठीक है, ये भी आइदर और वाली कंडीशन है। अगर आल और सम नोट दिया होता है तब भी आपको समझ लेना है कि ये भी आइदर और वाली कंडीशन है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बाकी ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, एक बार आप और फिर से पढ़ लेना, ठीक है। हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, ठीक है, आज वही पढ़ेंगे जिसमें एक तो आपका पॉजिटिव दिया होता है, दूसरा नेगेटिव दिया होता है, ठीक है। पहला पहले समझ लीजिए, उसके बाद में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। पहले बात, सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है फर्स्ट, पहले स्टेटमेंट में कहा गया है ऑल एस आर पी, यानी कि सभी एस क्या है पी है। तो मैंने डायग्राम में क्या बनाया है कि जो भी आपके पास एस है, ठीक है, वो सभी क्या है P है। चलो मैंने यहां पर सभी S क्या बना दिए साथियों, P बना दिया है, ठीक है, यहां तक तो सभी का क्लियर है। आगे बात करो भैया, आगे इसमें तो फर्स्ट आपका मैंने यहां पर ऐसे का ऐसा डायग्राम इसका बन गया, आगे वाले की इसका डायग्राम देखते हैं, इसका डायग्राम क्या होगा। इसमें कहा गया है कुछ पी आर है, क्या बताइए, कुछ पी है आपके पास वो आर है, तो मैं आपका इस प्रकार से डायग्राम बना सकता हूं क्या, कुछ पी आपके पास क्या है आर है। तो एक बात बताइए, यहां संभावना एस होने की है ना, यहाँ पे संभावना एस हो सकता है, संभावना है, बस ध्यान रखिए, मन में रखिए भाई, हाँ संभावना है, ठीक है। अगर आर और एस की बात करता है तो संभावना तो बन सकती है, ठीक है, यह ध्यान में रखना है इतना सा। लेकिन इसमें कहा गया है कि कुछ पी आपके पास क्या है आर है, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। चलो दूसरा डायग्राम भी मैंने इसमें नोट कर दिया है, बना दिया है। तीसरी बात मैंने कही गई है कि कोई पी टी नहीं है, कोई भी पी आपका क्या नहीं है टी नहीं है, तो मैंने मान लो इसका अलग ही डायग्राम बना दिया कि कोई भी पी आपका क्या नहीं है टी नहीं है, यानी आपका ये पी तो टी हो नहीं सकता, ये तो आपको ध्यान में रखना है। बाकी एक बात और ध्यान रखना, जब आपके पास पी टी नहीं है, ठीक है, ये बात तो इसने कही गई है, पहले समझ लीजिए, आपके पास कोई भी पी टी नहीं है, तो एक बात बताइए, पूरे एस पी के अंदर है तो क्या कोई एस टी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये पूरे और क्या है पी के अंदर है, हाँ सॉरी आर हो सकता है लेकिन एस नहीं हो सकता, ये भी क्लियर है, ठीक है, ये भी चीज समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यहां तक। तो अब आगे बात करते हैं, ये भी बन गए, आगे बात करूं, कुछ टी एल है, चलो मैंने कहा कि कुछ एल आपके पास क्या है
टी है तो ये भी बात सही है कि कुछ एल टी है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, एल आपका आर हो सकता है क्या? हो सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटी तो है, संभावना तो बन सकती है कि डायग्राम और भी कुछ बन जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ये बताइए आपका डायग्राम ये बन गया क्या? ठीक है, ये डायग्राम बन चुका है ना, ठीक है। चलो भैया ये हमारा तो डायग्राम तीनों इसके अनुसार जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका मैंने डायग्राम बना दिया है, क्लियर है। अब मैं दो निष्कर्ष भी आपको दे देता हूँ, कंक्लूजन भी आपको दे दिया सामने, ये तो समझाने के लिए है, सभी को ध्यान में रखना है, फिर हम क्वेश्चन भी समझेंगे, पहले इस चीज को बेसिकली समझ लीजिए, ठीक है। अब इसने देखो पहले क्या कहा है, नो एस इज टी, कोई एस टी नहीं है, एक बात बताइए मुझे, कोई भी एस टी नहीं है, ये बात मैंने पहले ही ऑलरेडी समझा दी है, बताइए इसमें कोई भी एस टी नहीं है, ये बात सही है कि नहीं है? ठीक है, इसमें जो कथन कहा गया है कि कोई एस टी नहीं है, एक बात बताइए, जब इसने पहले ही मना कर दिया कि कोई भी पी टी नहीं है, ठीक है, कोई भी पी क्या नहीं है, टी नहीं है, और इसमें क्या है, पी के अंदर ही एस है, जब पी नहीं आया तो एस क्यों आएगा भाई, नहीं आएगा ना, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना। और मैंने आपको पहले क्या कहा था, ठीक है, एक लाइन ध्यान से समझिएगा, मैं भूलने नहीं दूंगा, ठीक है, मैंने कहा था जब भी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव में हो तो आपके पास कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, कंक्लूजन हमेशा ही पॉजिटिव में होगा, अगर नेगेटिव दिखे तो आंख बंद करके क्रॉस कर दो कि ये तो गलत है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने ये चीज नहीं कही कि स्टेटमेंट में भी अगर नेगेटिव हो, ठीक है, जो स्टेटमेंट में भी अगर नेगेटिव हो तो आपका जो कंक्लूजन है वो क्या हो सकता है, बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है, ये बात समझ में आई है, ठीक है, नोट कर लो चाहे इसको, ठीक है, ध्यान में रखना है, बाकी कंफ्यूजन नहीं होना है, जो चीजें मैं नहीं लिख रहा हूं वो मैं आपको बता दिया हूं, नोट करते चलिएगा, सभी के पास पेन कॉफी है, हाँ तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो मेरे पास लाइट चली गई है, खुशी की बात है, चलो मैं अपना ये बंद कर देता हूँ, ठीक है, दो मिनट के लिए माफी चाहूंगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, कैमरा अपना बंद रहेगा, ऐसे ही समझ लेना, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलो ठीक है, चलो यहां पर देखते हैं, अब ये तो बात समझ में आ चुकी है, अगली बात करते हैं, इसमें सेकंड वाली ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सम आर इज नॉट टी, इसमें कहा क्या कहा है, कुछ आर टी नहीं है, एक बात बताइए, कुछ आर टी नहीं है क्या, ये बात भी सही है ना, यानी जो कुछ आर ये वाले जो पी का हिस्सा है वो टी नहीं है ना, नहीं है ना, तो आपका ये भी कथन बिल्कुल सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। कुछ आपको अब तो समझ में आ चुका है कि ये पूछ कह रहा है, यानी जो कुछ आर पी है बिल्कुल सही है ना, तो इसमें यही बात कही गई है कि कुछ जो आर है वो टी नहीं है, बिल्कुल सही बात कही गई है कि कुछ भी मतलब कुछ आर टी नहीं है, बिल्कुल सही है, जो पी होंगे आर वो तो टी हो ही नहीं सकते क्योंकि इसने तो पहले ऑलरेडी मना कर दिया है, ठीक है, तो आपके दोनों ही कथन क्या होंगे, बिल्कुल राइट होंगे, तो ये भी आपके समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर एक बार ध्यान से देखना, ये नोट देख लेना, कारण भी देख लेना इसका, ठीक है, नकारात्मक निष्कर्ष में कोई नहीं तभी सही होता है जब कोई उन या नहीं उन शब्दों के लिए कहे जिन शब्दों के साथ क्रॉस, इसको तो रहने दो, आप तो जो मैंने जो वर्ड बोले हैं, ठीक है, दो लाइन जो मैंने बोली है उसको ध्यान में रखना है, वो ही समझ लेना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मान लो कि निष्कर्ष कुछ और हो, और क्या भी हो सकते हैं भैया, ये डायग्राम है इसके अंदर और भी तो निष्कर्ष हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है ये दो ही निष्कर्ष हो, नहीं हो ना, ठीक है। चलो इसमें और एक निष्कर्ष देखते हैं, डायग्राम यही रहेगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है निष्कर्ष में कि कोई एस टी नहीं है, इसमें ये बताइए कोई भी एस टी नहीं है क्या, ये कोई भी एस टी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि पी तो उसने पहले मना कर दिया था, तो आपका बिल्कुल ये तो सही आंसर है, ठीक है, ये भी सही है। अब इसने फिर अगले वाला पूछा है कि कोई आर टी नहीं है, कोई भी आर जो है आपके पास वो टी नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है, कोई भी आर टी नहीं है, ठीक है, इस डायग्राम में तो नहीं है, तो आपका ये गलत, मैंने क्या कहा था, चाहे संभावना हो, संभावना हो सकती है साथियों, ठीक है, कोई आर टी नहीं है, संभावना में तो कुछ भी रह सकता है, लेकिन इसके अंदर तो नहीं है ना, तो इसके अंदर नहीं है तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, कोई आर एल नहीं है, कोई भी आर है
जो कोई भी आर है वो एल नहीं है ना, नहीं है तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब तो समझ में आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार के दो ही ऑप्शन नहीं हो सकते, आपके पास और भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि इसमें और कौन कौन से ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। ये बेसिक चीजें अगर आपको आ चुकी है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल समझा रहा हूं, अब आप तुरंत कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन सभी के सामने है और सभी को आंसर देना है, देखते हैं क्या आंसर आता है। सभी को आंसर स्टार्ट हो, अभी पता चल जाएगा कि आप कहां पे क्या गलती करते हो। ठीक है, तो हो जाइए स्टार्ट और बता दीजिए मुझे आंसर की आंसर क्या होगा। साथियों सभी को आंसर देना है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर नहीं आया हो। साथियों चलो ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, ट्रू नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा मेरे दोस्त, ट्रू नहीं होगा, क्योंकि अदर ऑप्शन में देखो, और मैंने डायग्राम क्या कहा था कि देखो ऑप्शन डायग्राम में गलत हो सकता है। ठीक है, मतलब आपके पास संभावना कोई से भी, देखो तीन ऑप्शन होंगे, तीन चित्र बनेंगे तो संभावना तो होगी, लेकिन आपका वो तीनों नियमों में फॉलो करना चाहिए, यानी जो तीनों डायग्रामों में क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, जब जाके आपका सही होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं अब। ठीक है, ये किसी का आंसर आया हो तो बता दीजिए प्लीज, नहीं तो फिर मैं सोल्व करके बताता हूं। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहले आपको स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है और स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है यानी सभी पेन कॉपी हैं, ऑल पेन आर कॉपी। तो इसमें मैंने डायग्राम बना दिया कि सभी पेन है। ठीक है, ये वाला जो पेन का डायग्राम है मैंने रख दिया पेन। ठीक है, और पेन को मैंने सभी पेन क्या बना दिए हैं, कॉपी बना दिए हैं, ये रहा कॉपी का। ठीक है, यहां पर रख दिया मैंने कॉफी। ठीक है, सी बना दिया, क्लियर है। आगे बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट मैंने बना दिया है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, कोई कॉफी टेबल नहीं है, यानी कि जो भी कॉफी है, ये जो कॉफी का डायग्राम है उससे अलग बना दो टेबल, यानी कोई भी कॉफी टेबल नहीं है, ये बन गया डायग्राम हमारा टेबल का। ठीक है, ये हमारी आ गई टेबल, क्लियर है। ठीक है, तो ये तो आपके हो नहीं सकते। ठीक है, अब ये नहीं हो सकते तो आपका पेन भी टेबल नहीं बनेगा, कॉपी भी टेबल नहीं बनेगी। अब आपका जो भी ऑप्शन हो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर निष्कर्ष निकालिए, स्टेटमेंट आपके दिया हुआ है नो टेबल इज कॉपी, इसने क्या कहा, कोई टेबल कॉपी नहीं है, क्या बात कर रहा है, कोई टेबल कॉफी नहीं है, कोई भी टेबल जो आपके पास है क्या कॉफी नहीं है क्या, बिल्कुल सही है कि नहीं है, बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है इसने, ये निष्कर्ष आपका पहला तो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही गई है। दूसरी बात कर देते हैं, कुछ पेन टेबल हैं, सम पेन आर टेबल, तो इसने कहा क्या कहा, कुछ पेन टेबल नहीं है। ठीक है, सॉरी कुछ पेन टेबल है क्या, नहीं हो सकती ना, तो आपका ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, ऑलरेडी उसने मना कर दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ कॉफी पेन है, इसने क्या कहा, कुछ जो कॉपियां हैं, कुछ कॉपी है आपके पास, पेन है क्या, बिल्कुल हो सकते हैं भैया, कुछ कॉपियां क्या हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। अगली देखते हैं, कोई पेन टेबल नहीं है, कोई भी पेन है, नो पेन इज टेबल। ठीक है, तो कोई भी पेन टेबल नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये कॉपी के अंदर है, कॉपी को पहले ही मना कर दिया, तो बिल्कुल ये भी आपका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर। अब बताइए ऑप्शन को अगर देखिए, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका थर्ड भी ऑप्शन सही है, फिर आपका दोस्तों फोर्थ भी ऑप्शन सही है, तो आपका जाके कौन सा आंसर आ जाएगा साथियों, ये वाला कौन सा हुआ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सी आपका राइट आंसर। बताइए अब तो सभी को उम्मीद जागी है ना, हो जाएगा अब तो। चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ओ सॉरी मैंने कौन सा कर दिया है, फर्स्ट थर्ड एवं, बिल्कुल बिल्कुल ये ऑप्शन सारे एक ही है क्या, चलो ये रहा ऑप्शन, तो इसका भी यही है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, चलो आगे देखें, आगे देखें, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल अब आगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको भी बता दूं मैं एक बार, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपको भी कोशिश करते रहना है। ठीक है, चलो दूसरा डायग्राम को, ये एग्जाम्पल नंबर टू को देख लीजिए, कथन दिया हुआ है, कथन यानी स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके पास, कुछ अखबार रेडियो है। ठीक है, कुछ अखबार हैं आपके पास, ये रहे कुछ अखबार, ठीक है, कुछ न्यूज़पेपर हैं,
ठीक है, कुछ न्यूज़पेपर आपके पास क्या है, रेडियो है, ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना दिया रेडियो का, ठीक है। चलो ये पहला स्टेटमेंट तो आपके पास क्या हुआ, बन चुका है, ठीक है, ये बन चुका है। दूसरा देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट कहा गया, क्या कहा गया है कि कोई रेडियो टीवी नहीं है, यानी जो भी रेडियो है वो क्या नहीं हो सकते, टीवी नहीं हो सकते, तो मैंने इसका भी डायग्राम बना दिया है। बोलो बना दिया है, यानी कोई भी रेडियो आपका टीवी नहीं है। हो सकता है आपके पास न्यूज़पेपर हो, कुछ टीवी न्यूज़पेपर हो सकते हैं, लेकिन आपके पास संभावना है, ये क्या है, संभावना है, तो ये तो डायग्राम आपका बन चुका है, ठीक है। ये दोनों तो आपके हो ही नहीं सकते, तो मैंने यहां पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। चलो आगे बनाओ, देखिए अब आपके पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप सभी करके देखिए एक बार, ठीक है। स्टेटमेंट में देखते हैं कौन का किसका कौन सही है, क्योंकि यहीं पे आगे देखो डायग्राम भी आपसे बन जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन होता है निष्कर्ष में, ठीक है। देखते हैं निष्कर्ष में आपका क्या आता है, ठीक है। चलो हो जाइए शुरू, डी आंसर। बिल्कुल, अब यार इतना स्लो और इतनी चीजें बता दिया हूं, एक बार प्लीज जिसके समझ में नहीं आया क्लास एक बार दोबारा से देख लेना, और क्लास शुरू से देखना है कल से, ठीक है। जो कल आपकी क्लास हुई है उसको पूरी अटेंड करनी है, उसको कंप्लीट देखिए, उसके बाद में इसमें आपको मैंने थोड़ा बहुत तो रिवीजन भी करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद में फिर अगला जो कल संभावना वाले हैं वो तो बहुत ईजी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो जिसमें संभावना होगी उसके टिक लगा देंगे। चलो डी आंसर, चलो सभी का डी आंसर आ रहा है क्या, ए भी आंसर आया, सी भी आंसर आया, क्या बात है। चलो देखते हैं, चलो डायग्राम तो आपके पास बन चुका है, ठीक है। अब आ जाइए निष्कर्ष में आ जाइए, जो आपके पास कंक्लूजन दिया हुआ है उसमें पहला कंक्लूजन पढ़िए। इसमें कहा गया है कि कुछ रेडियो अखबार है, कुछ रेडियो आपके पास न्यूज़पेपर है कि नहीं, ठीक है ना। ये रहा कुछ न्यूज़पेपर आपके पास रेडियो है, बिल्कुल है, तो भैया पहला तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसमें तो कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं है, है जो है ये तो, चाहे कोई सा डायग्राम बनाओ इसको तो बनना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड वाला देख लीजिए, कुछ टीवी रेडियो है, अरे यार इसमें तो पहले ही मना कर दिया कि रेडियो टीवी हो ही नहीं सकता, तो ये कथन तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, बिल्कुल ये तो गलत ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ अखबार टीवी नहीं है, जो कुछ अखबार है यानी कुछ न्यूज़पेपर है वो क्या नहीं है, टीवी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकते, कोई भी संभावना वाला भी बनेगा वो भी नहीं हो सकते। देखो यहाँ पर देखो, ये जो कुछ है ये तो कुछ आर भी तो है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकते, बाकी तो हो सकते हैं ना, ये बाकी वाले तो हो सकते हैं, लेकिन आपका ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो ये बात इसने बिल्कुल सही कही है कि कुछ अखबार टीवी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी सही बात कही गई है कि इसमें बिल्कुल सही नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब बताइए इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी थर्ड वाले में, थर्ड वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। कुछ अखबार टीवी नहीं है, ये बात इसने सही कही है, तो मेरे हिसाब से ये सही है, आपके हिसाब से क्या सही है कि नहीं है ये, ठीक है, आप बताइए, आपका भी सही आया है ना ये। चलो आगे बात करते हैं, कुछ अखबार टीवी है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल कुछ अखबार क्या है, कुछ अखबार टीवी है, या कुछ अखबार टीवी है क्या, यहाँ पर बताइए, कुछ अखबार यानी कुछ न्यूज़पेपर आपके पास टीवी है क्या, नहीं है, कुछ तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कुछ तो नहीं है, तो आपका बिल्कुल भी ये आंसर भी गलत हो चुका है, क्लियर है ना। चलो ये आपके पास क्लियर है, तो अब आपके ऑप्शन क्या क्या होने चाहिए, निष्कर्ष फर्स्ट होगा एक तो, यानी कंक्लूजन फर्स्ट वाला है और थर्ड वाला है, तो ऑप्शन आपका कौन सा रहा दोस्तों, ए आपका राइट आंसर, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, अब तो सभी को क्लियर है ना, बिल्कुल ए जिसका भी आंसर आया है बिल्कुल डन आंसर, बिल्कुल अब तो सभी के समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा था थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर हम सीख जाएंगे, ठीक है, 3 दिन के अंदर हम बहुत कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, मैं बहुत क्वेश्चन इसके अंदर फिर से देने वाला हूँ, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए पूछ लेना, ठीक है। चलो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। चलो पहला एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए, पहले समझ लो, उसके बाद में फिर मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, आसानी से आप कर सकते हो उनको, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कहा गया है, पहला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट पढ़ा है आपने, नो की इज वॉच, इसमें कहा गया है कि कोई भी की क्या है, चाबी नहीं है, डायग्राम अलग अलग कर दो, ये तो बहुत ईजी हो गया यार, ठीक है, ये तो बहुत ईजी हो गया, यानी इसने कहा कोई भी चाबी घड़ी नहीं है, ठीक है, मैंने कहा कोई भी की आपके पास जो है वो क्या नहीं है, वॉच नहीं है, ठीक है, तो इसमें तो मैंने पहले ही गलत कर दिया, ये दोनों तो सही हो ही नहीं सकते, गलत सही है। अगला दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए,
नो वॉच लॉक, यानी आपके पास जो भी वॉच है वो लॉक नहीं है, ठीक है, जो भी वॉच है आपके पास वो क्या नहीं है, लॉक नहीं है, ठीक है, ये लॉक कर दिया मैंने, क्लियर है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो वॉच है वो लॉक नहीं है, ठीक है, लेकिन संभावना में आपके पास जो लॉक है वो की हो सकते हैं क्या, संभावना में तो हो सकते हैं कि नहीं हो, बिल्कुल संभावना में, ये संभावना में बार बार इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभार क्या होता है, पर या वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनमें संभावना में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आइदर और वाले में, इसलिए मैं संभावना बार बार बोल रहा हूँ कि आपको दोनों ही चीजें समझ में आए कि हाँ ये संभावना में तो हो सकता है लेकिन इस डायग्राम में तो नहीं बैठा, नहीं बैठा ना। चलो तो मैंने स्टेटमेंट दोनों का आपके पास डायग्राम बना के रख दिया है। चलो अब इसका आंसर, सभी का आंसर आ रहा है एक ही तरफ, चलो कोई बात नहीं। अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं, इसका स्टेटमेंट पढ़िए, कोई चाबी वो सॉरी कोई घड़ी चाबी नहीं है, नो वॉच इज की, इसमें ये बात कही गई है कि कोई घड़ी चाबी नहीं है, कोई भी घड़ी इसमें क्या कही गई है, कोई भी की चाबी नहीं है, सही बात है क्या ये, सही है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, बिल्कुल है क्या, बिल्कुल सही बात कही गई है इस बंदे ने कि आपके पास कोई घड़ी है चाबी नहीं है, कोई भी घड़ी आपके पास क्या नहीं है, चाबी नहीं है, पहले ही मैंने मना कर दिया, तो ये बात बिल्कुल सही कही नहीं इसने, बिल्कुल सही कही है भैया, तो मैंने इसका लगा दिया राइट का चिन्ह, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं, कुछ चाबी घड़ी है यानी सम की आर वॉच, यानी कि कुछ जो चाबी है आपके पास, ये चाबी है वो क्या घड़ी है क्या, है क्या, नहीं है, तो इसको लगा दो गलत, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें आगे की बात करेंगे तो यहां पर दिया हुआ है कि कोई चाबी ताला नहीं है, कोई चाबी क्या नहीं है, ताला नहीं है, कोई भी चाबी क्या नहीं है, ताला नहीं है, नहीं है क्या, ठीक है, नहीं है, नहीं है, संभावना है दोस्तों, संभावना है लेकिन हो तो सकती है ना, ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन में क्या होगा, संभावना तो है भैया लेकिन ऑप्शन तो गलत है, तो गलत ही रहेगा, ठीक है, संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो है इसके होने की, ठीक है, पॉसिबिलिटी सही होने की है लेकिन गलत तो गलत है, ठीक है ना, हाँ तो गलत तो गलत है, चलो ये भी सही है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है ये सही होने की, भाई ये बात तो सही है, पॉसिबिलिटी है लेकिन यहां पर सही नहीं है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं, कुछ चाबी ताला है, कुछ चाबी क्या है, ताला है, कुछ चाबी आपके पास ताला है क्या, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है बनने की लेकिन आपके पास ऑप्शन में नहीं है, यहां पर देखिए कुछ चाबी ताला होने की संभावना तो है लेकिन आपके पास, देखो संभावना वाले क्वेश्चन तो सीधे ही पता चल जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये संभावना में है क्या, नहीं है, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो चुका है, ये भी क्या होगा, आपका ऑप्शन गलत होगा। अब एक बात बताइए, इसमें ऑप्शन आपके पास तीनों ही गलत है नीचे वाले, तो एक बात बताइए आपके पास आंसर कौन सा रहा मेरे दोस्तों, आपके पास निष्कर्ष फर्स्ट ही आंसर रहेगा और फर्स्ट ऑप्शन केवल कौन सा है, केवल और केवल बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं बिल्कुल सभी के समझ में आया होगा, बिल्कुल बिल्कुल सभी दोस्तों, बिल्कुल इसका राइट आंसर बी इज करेक्ट आंसर, डन डन सभी का, हाँ पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, दो नीचे वाले की ऊपर वाले इन दो की तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है इनकी लेकिन आपके ऑप्शन इसके डायग्राम के अनुसार ये गलत है, ठीक है, तो अब तो समझ में आया, पॉसिबिलिटी तो आप बना सकते हो लेकिन आपके ऑप्शन में भी सही होना जरूरी है, ठीक है, तो अब तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब आपके घुस क्यों नहीं रहा है कोपड़े में, इतना स्लो भी फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो बता दो, बार बार कहता हूं, ठीक है, अब जब जब तक आप सोल्व नहीं करोगे तब तक आपका ये सोल्व भी नहीं होगा, ठीक है, तो एक बार दोस्तों क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए प्लीज, एक बार सभी जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, हाँ चलो अब इसमें देखिए, देखिए फोर्थ वाला क्या कहता है, सभी का आंसर आना चाहिए, क्या कह रहे हो, हाँ डायग्राम से आसान है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, बिल्कुल जिसको नहीं थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है एक बार क्लास को प्लीज दोबारा से देख लीजिएगा, जहां भी आपको प्रॉब्लम आएगी सोल्व हो जाएगी, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है ग्रुप क्या काम का है, इसीलिए तो है, चलो बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, कहां जाएगा, आएगा नहीं तो कहां जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर अब बिल्कुल नहीं आएगी, आएगी आती है मुझे पता है, प्रॉब्लम आती है जब भी हम कुछ नई चीज सीखते हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है,
ठीक है। अब थ्योरिटिकल सेशन में तो कहाँ प्रॉब्लम आएगी, रट लिया एक बार फेंक दिया। अब इन क्वेश्चनों में तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका ऐसी प्रकार का आंसर हो। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इनमें से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाए, लेकिन जा सकते हैं दोस्तों, मैं इसके लिए पुख्ता नहीं कर सकता, एनटीए वाला है, ठीक है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से, ठीक है। हाँ, तो वो सभी को आपको ध्यान रखना है। आएगा सी की तरफ आंसर आ रहा है क्या इसका, फोर्थ में सी की तरफ आंसर है। हाँ, तो चलो देखते हैं सी की तरफ आंसर आया है क्या कि नहीं। सभी आंसर बताना है सभी को। चलो देखते हैं इसमें क्या आंसर होता है, ठीक है। चलो यहां पर दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट के दो स्टेटमेंट हैं, दोनों का स्टेटमेंट से आपको डायग्राम बना लेना है, ठीक है। डायग्राम नहीं बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम आपके पास बहुत भयंकर होगी। चलो बनाओ मेरे दोस्तों। पहला डायग्राम इसमें बना हुआ है कि कोई रेल बस नहीं है, ये बात पहले ही इसने कह दी कि कोई भी रेल है वो बस नहीं है। चलो मैंने दोनों ही डायग्राम क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। कोई भी बस आपका क्या नहीं हो सकता, यानी कोई भी बस आपके पास जो है वो क्या नहीं हो सकती, ट्रेन नहीं हो सकती, ठीक है। चलो पहला स्टेटमेंट, नो रेल इज बस। दूसरी, ऑल बस कार, यानी कि जितनी भी बसें हैं सभी बस क्या है, कार है। तो क्या करें हम, सभी जो बसें हैं वो आपकी क्या है भाई दोस्तों, कार है। एक बात अब यहां पर देखिए, पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, कार की पॉसिबिलिटी तो है ना टी होने की, है कि नहीं, ठीक है। बस पॉसिबिलिटी ध्यान में रखो, माइंड में रखो भाई, कार तो पॉसिबल है, कार के पॉसिबिलिटी होने की संभावना है टी होने की, लेकिन बी का तो कोई चांस ही नहीं है। बी का तो बिल्कुल कतई जहर बात कह दी इसने, कतई गलत बात, ठीक है। चलो ये दोनों का मैंने यानी डायग्राम बना दिया है, ठीक है। अब आ जाइए निष्कर्ष के अकॉर्डिंग। निष्कर्ष देखो क्या क्या कह रहा है हमसे। निष्कर्ष फर्स्ट में आपको कहा गया है, फर्स्ट वाला, यानी नो कार इज ट्रेन रेल, क्या कहा गया है। हाँ बिल्कुल, ट्रेन कहो रेल कहो एक ही बात है। चलो, कोई कार रेल नहीं है, यानी नो कार इज ट्रेन, तो इसमें क्या कहा गया है, कोई भी कार क्या ट्रेन नहीं है क्या, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात आपके पास गलत है ना, यानी कोई कार रेल नहीं है, कोई भी कार रेल नहीं है, बिल्कुल ये बात आपकी क्या है, गलत बात है, ठीक है। कोई भी कार रेल नहीं है, संभावना तो है मेरे दोस्तों, संभावना के लिए मैंने क्या कहा, संभावना हो सकती है, ठीक है। संभावना है कि कार होने की संभावना हो, ये लो हो गई का ट्रेन, ठीक है। लेकिन इसमें संभावना होने के चांस हो सकते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, कुछ रेल कार है, यानी कि कुछ जो ट्रेन है आपके पास वो क्या कार हो सकती है क्या। अब उल्टा कर दिया इसने, तो संभावना हो सकती है लेकिन गलत हो गई बात, तो ठीक है। पॉसिबिलिटी तो आपके पास है, पॉसिबिलिटी आपके पास है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन तो गलत है, यही बात है ना। हाँ बिल्कुल, वो अब तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, सम कार इज बस, ठीक है। इसने क्या कहा, कुछ कार बस है, क्या कहा है इसने, कुछ कार बस है, क्या कुछ कार बस है, क्या कुछ कार बस है, बिल्कुल सही बात है ये तो, कुछ कार बस है बिल्कुल सही है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। चाहे कोई सा भी डायग्राम बनाओगे उसमें आपके पास कुछ कार तो बस होगी ही होगी, उसे कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। चलो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे पढ़िए, कोई बस रेल नहीं है, ठीक है, यानी कोई भी बस क्या है, रेल नहीं है क्या, कोई भी बस रेल नहीं है, बिल्कुल सही बात कही है कि नहीं कही है ये भी बताइए, ठीक है। ये बात तो पहले ये देखिए, कोई भी बस रेल नहीं है, कोई बस रेल नहीं है, तो ये तो कतई जहर बात हो गई, ये तो सही है, इसे कोई नहीं चेंज कर सकता, ये तो हकीकत में सही है, ठीक है। इसकी भी ठीक है, तो आपके पास थर्ड और फोर्थ बिल्कुल क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे, थर्ड फोर्थ क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। अब एक बात, एक मिनट, आपको सब कुछ क्लियर है, ठीक है, मैंने संभावना वाले भी बता दिए हैं, सब कुछ बता दिया। एक बात ये देखिए, अब ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में जाओगे तो आपके पास थर्ड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में है, यहां पर थर्ड और फोर्थ नहीं है, गलत करो इसको, सभी सही है, सभी सही नहीं हो सकते, ठीक है। मैंने तो इसके दो सही बताए हैं। डी देखिए, इसमें फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड सही है क्या, नहीं है, गलत बात। अब यहां पर देखो, यहां पर आपके पास थर्ड और फोर्थ तो सही है, ठीक है, लेकिन आपका जो पहला और सेकंड है इसमें पॉसिबिलिटी है, यानी संभावना तो हो सकती है, ये आइदर और वाला सिस्टम बनेगा,
बना है कि नहीं बना। देखो यहाँ पर कार दिया हुआ है, रेल दिया हुआ है, यहाँ पर रेल है और कार है, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों मैच कर रहे हैं, यानी एलिमेंट दोनों के सेम है, दोनों में है कि नहीं, एक पेयर बना, ये तो दोनों का जोड़ा बन चुका है, ठीक है, पेयर बन गया, पहला काम तो हमारा क्या हुआ, पेयर बना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। तीसरी बात कर लीजिए, तीसरी बात करोगे कि तो दोनों ऑप्शन गलत होने चाहिए और संभावना दोनों की होनी चाहिए, कहा था ना मैंने, तो दोनों ऑप्शन गलत है लेकिन संभावना दोनों की है, तो आपकी तीसरी नियम फॉलो कर रहा है। चौथा नियम क्या कह रहा था आपके, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, कुछ रेल कार है ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ये ऊपर वाला कुछ कार रेल नहीं है ये नेगेटिव हो गया, तो कहा था ना ये तीनों चारों नियम आपके फॉलो कर रहे हैं, यानी इसमें आइदर और, यानी फर्स्ट और सेकंड भी सही हो सकता है, फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। तो अब तो समझ में आया, इसकी पॉसिबिलिटी है इसलिए मैंने या कर दिया, फर्स्ट या सेकंड, अब बताओ, ठीक है। तो ऑप्शन को साथ भी लेकर चलोगे तो भी आपको देखो आगे इस तरीके को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कभी कभार आपको डाइट आइदर और वाला पूछ लिया जाता जब तो आपको इस चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑप्शन थर्ड और फोर्थ भी दिया हुआ है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार राइट आंसर, ठीक है। अब बिल्कुल भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, पॉसिबिलिटी वाले समझ में नहीं आए, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है देख लेते हैं। चलो ये दोनों पॉसिबिलिटी वाले समझ में नहीं आए भैया इनके, चलो देखते हैं, बाकी तो नीचे वाले तो समझ में आ चुके हैं दोनों, बाकी तो आइदर और वाला भी समझ में आ जाएगा, कंडीशन अगर संभावना की हो तो आप किस प्रकार सोल्व करते हो, ठीक है। चलो अभी पता चल जाएगा आप सभी को, एक बात बताइए ध्यान से, पूरा ध्यान यही रहना चाहिए, कंसंट्रेट, अगर इन चीजों पे ध्यान दे दिया अगले वाले क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें ध्यान नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। देखो कोई कार रेल नहीं है, ठीक है, इसने क्या कहा, कोई भी कार आपके पास क्या नहीं है, रेल नहीं है, कोई भी कार आपके पास जो है वो रेल नहीं है, ये बात इसमें कही गई है, ठीक है। तो देखो इसमें तो आपके पास ये डायग्राम बन चुका है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपके पास बस है, ठीक है, और आपके पास ये वाली कौन सी हो गई है, ये मान लो टी है, ठीक है, ये दोनों तो हो नहीं सकते, लेकिन आपका कार वाला सिस्टम तो ये हो सकता है ना, ये कार हो गया भैया, तो डायग्राम इस प्रकार का भी बन सकता है, ठीक है, बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो कोई कार रेल नहीं है, कोई भी कार रेल नहीं है क्या, ये बताइए कैसे नहीं हो सकती, है तो सही इसमें, ठीक है, तो इसमें तो आपका ये कथन गलत हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसमें ये बताइए इस फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम आई है, ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, संभावना तो है आपकी बिल्कुल, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है। अब दो ऑप्शन में है आपका, दोनों ऑप्शन में ये चीज आपके, कोई कार रेल नहीं है, ठीक है, कोई भी कार इसमें तो रेल नहीं है, कोई भी कार क्या है इसमें तो रेल नहीं है, इसमें तो सही बात कही गई है, लेकिन अगर मैं डायग्राम ये बना दूं तो बताइए फिर इस ऑप्शन का क्या हो, फिर ये ऑप्शन गलत है या सही है, और ऑप्शन दोनों में सही होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ऑप्शन अगर दोनों में सही है तो ही आपका आंसर सही करना है यहाँ पर, अन्यथा आप सही नहीं कर सकते, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां पर अगर दोनों, ये दोनों जो डायग्राम बने हुए हैं दोनों में आपको क्या करना है, सही मानना है, सही होगा तभी आपको यहां पर सही लगाना है, अन्यथा आप यहां पर सही लगा ही नहीं सकते, ठीक है। अब तो क्लियर है ना दोस्तों, ठीक है। तो इसमें तो क्या है, इसमें तो पॉसिबिलिटी है बनने की, लेकिन इसमें, इसमें क्या होगा, इसमें तो बिल्कुल मैंने कहा था, इसीलिए तो मैंने संभावना लिखी है कि आपको संभावना में अनुमान लग सके कि हाँ बिल्कुल इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब नीचे वाला देख लो, कुछ रेल कार है क्या आपके पास, देखो इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर तो नहीं है ना कुछ रेल कार, ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो है भैया, ठीक है, तो इसमें एक में गलत एक में सही है, तो आपका ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब तो बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलो अब एक बात बताइए, संभावना तो है, ठीक है, संभावना तो कोई सा भी एक डायग्राम में, अगर डायग्राम में आपके पास फॉलो कर रहा है इसका मतलब वो संभावित है, समझ रहे हो, अगर दोनों चित्रों में से अगर एक भी चित्र में आपका एक फॉलो कर रहा है नियम, तो इसका मतलब संभावना है, किसी ना किसी डायग्राम में बिल्कुल संभावना होगी, ठीक है। चलो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सी आपका राइट आंसर होगा इसमें।
अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन आप सभी को ध्यान में रखने हैं, ठीक है, पूरे आपको क्वेश्चन करने हैं। इसमें भी करीब करीब बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन को आपको मैं देख लेता हूं, फिर आपको बाकी के क्वेश्चन सभी को करने के लिए दूंगा। क्वेश्चन पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, इसमें क्या है, कथन भी दिए हुए हैं थ्री, तो इसमें आपके पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं तीन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद में आपके पास कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन दिए हुए हैं आपके पास फर्स्ट, सेकंड दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है। अब इनके अंदर आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा कि नहीं होगा, इनमें से कौन सा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। चलो हो जाइए, देखते हैं अब कितने कितनों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसलिए देखो आप ऐसे सोच रहे हो कि जैसे मैथ में हुआ, रीजनिंग में हुआ, सर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो आप सभी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो ये अगर मैंने जो बेसिक चीजें सिखाई है आपको, अगर वो चीजें समझ में आ जाएगी तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, फिर तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें क्या, हर प्रकार क्वेश्चन अलग बनता है, ठीक है, बिल्कुल। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको ये कोई चांस नहीं आने की, ठीक है। तो कोशिश आपकी बार बार रहनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो सभी बच्चे कहते हैं, मैंने आपको पहले भी जो नंबर जुड़वाए थे इसलिए जुड़वाए थे कि आपके पास अगर पांच में से आपके पास लॉजिकल रीजनिंग में चार तो सभी के आने चाहिए, ठीक है। कोई बेहतरीन तैयारी कर रहा है तो पांच में से पांच ला सकता है, ठीक है। अगर डायग्राम दिया हुआ हो तो कोई बार कंफ्यूजन हो जाता है, मैथ में आप पांच में से पांच ला सकते हो, मैथ रीजनिंग में उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पांच के पांच आपको लॉजिकल रीजनिंग में लाने वाने ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ के प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, ठीक है, तो वो चीज क्लियर कर लेना, पांच में से पांच लाने की कोशिश करना कि पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सको, बिल्कुल। चलो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। चलो डायग्राम देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम तो बना देता हूं मैं जिससे आपका फिर आंसर आने की ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। पहली बात इसने कही गई है कि पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है सम बुक्स आर पेपर, इसमें क्या कहा गया है कि कुछ किताब कागज है, कुछ किताब क्या है, कागज है, तो मैंने कुछ किताबें बनाई, ठीक है, कुछ किताबें बनाई है और कुछ किताबों को मैंने क्या कर दिया है, कागज बना दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर मैंने बी लिख दिया है, समझ जाओगे ना, ये आपके पास बुक्स है, ठीक है, बुक्स, और यहां पर मैंने कर दिया है पेपर, ठीक है, ये आपके पास है पेपर, क्लियर है। चलो अगला पढ़िए, ये स्टेटमेंट मैंने पहला डायग्राम का बना लिया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, कुछ कागज कार है, क्या है, कुछ जो कागज है आपके पास, सम पेपर आर कार, ठीक है, यानी कुछ कागज आपके पास क्या हो सकते हैं दोस्तों, कुछ कागज आपके पास कार हो सकते हैं। अब एक बात बताइए, कुछ कार आपके पास बुक्स भी तो हो सकती है ना, ठीक है, ये हो गई आपकी पॉसिबिलिटी, ठीक है, ध्यान में रखना इन चीजों को। अब बार बार क्या करना है इतना, ठीक है, फिर ये भी हमने डायग्राम बना दिया। अगली बात करते हैं, तीसरा स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ है, कोई कार सफेद नहीं है, यानी जो भी कारें हैं वो क्या नहीं है, सफेद नहीं है भैया, बिल्कुल भी चांस नहीं हो सकते इसके तो, ठीक है, कोई कार क्या है, सफेद नहीं है, यानी व्हाइट आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसने कार के लिए ही तो मना किया है, ना तो पेपर के लिए मना किया है, ना बुक के लिए मना किया है, तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी, ठीक है, बनेगी। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में रखना कि सभी पेपर है वो क्या नहीं हो सकते हैं, व्हाइट नहीं हो सकते हैं। पूछो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर देखिए कार के लिए बेकायदा पूरी तरह मना कर दिया है कि कार तो व्हाइट हो ही नहीं सकती। तो देखो कुछ पेपर आपके पास क्या है, कुछ पेपर आपके पास क्या है, कार है, तो जो कार है वो तो पेपर व्हाइट हो ही नहीं सकते ना, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है। अब जो जिसके ये डायग्राम समझ में आ चुका है उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो तो हो जाते हैं शुरू, इसमें देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। चलो इसने डायग्राम को समझ लिया, उसका तो बेड़ा पार है, ठीक है, ठीक है। चलो पहला ऑप्शन पढ़िए, पहले ऑप्शन में कहा गया है हमसे कुछ कागज सफेद नहीं है, ठीक है, कुछ कागज आपके पास क्या नहीं है, कुछ पेपर आपके पास क्या नहीं है, सफेद नहीं है। मैंने क्या कहा था आपको, कुछ पेपर सफेद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। सही बात कही है कि नहीं कही है ये बताइए। मैंने अभी आपको कहा कि कुछ पेपर आपके सफेद कैसी भी हालत में नहीं हो सकते, सही बात है कि नहीं है, सही है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि कार तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कार होने के, तो कुछ पेपर आपके क्या नहीं है, कुछ कागज सफेद नहीं है। अगर आपसे कहें
कि कुछ कागज सफेद नहीं है, बिल्कुल आपके पास ये सही आंसर है, इसको गलत मत कर देना, ठीक है, इसको गलत मत करना। अब अगर आपसे इस प्रकार भी पूछे कि कोई भी कागज सफेद नहीं है, वो भी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी कागज सफेद नहीं है ना, ठीक है। अगर कोई भी पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है, जब डायग्राम ही दूर है तो आपको कोई के लिए भी मना करें, कुछ के लिए भी मना करें, वो बिल्कुल सही होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोई कागज सफेद नहीं है, कोई भी कागज सफेद नहीं है क्या, ये भी नहीं है क्या, इसमें तो नहीं है, लेकिन आपके पास दूसरा अगर डायग्राम बनाओ तो मैंने क्या कहा, पॉसिबिलिटी तो है ना, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, कोई भी कागज सफेद है, इसमें कहा कहा कोई भी कागज सफेद नहीं है, कोई भी कागज क्या है, सफेद नहीं है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन नहीं तो है, बिल्कुल गलत, ठीक है, बिल्कुल सेकंड ट्रू, एक मिनट, हाँ मैंने कहा कुछ कागज सफेद नहीं है, बिल्कुल कुछ भी कागज सफेद नहीं है, कोई कागज सफेद नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी कागज सफेद नहीं है, ठीक है। चलो आगे बात करो, देखें आगे क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होगा इसमें, आगे करो, इसमें आगे देखोगे कुछ कागज सफेद है, कुछ कागज सफेद है क्या, कुछ कागज इसमें सफेद है, गलत बात, ठीक है, कुछ कागज सफेद है इसमें, गलत बात हो गई। कुछ किताब सफेद है क्या, कुछ किताब सफेद है क्या, इस डायग्राम देखो, पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन गलत तो इस डायग्राम में तो गलत है ना, ठीक है, कुछ किताब सफेद है, ये गलत बात, संभावना है, मैं लिख देता हूं, संभावना तो है लेकिन गलत बात है, कुछ कागज सफेद है, कुछ कागज आपके पास क्या है, सफेद है, कुछ कागज आपके पास सफेद है, तो ये भी आपका पॉसिबिलिटी तो है, संभावना तो दोस्त है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, गलत होगा ये भी, ठीक है। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं, कोई कागज सफेद नहीं है, कोई कागज सफेद नहीं है क्या, कोई कागज सफेद नहीं है, इसने क्या कहा, कोई कागज सफेद नहीं है, यार इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, ये मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से, तो मेरे हिसाब से देखो ये दोनों तो बिल्कुल गलत होंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, कोई कागज सफेद नहीं है, इसमें बिल्कुल ये बात बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ये गलत होगा, देखते हैं अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे, ऑप्शन इसमें तो मेरे हिसाब से गलत होगा, संभावना तो हो सकती है कुछ भी, ठीक है, संभावना हो सकती है, लेकिन ये ऑप्शन गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई कागज सफेद नहीं है, यानी कि कुछ कागज सफेद नहीं है, कुछ कागज आपके पास सफेद नहीं हो सकते, ये रहा ये, क्योंकि कार है ना, तो कुछ तो ये कुछ कार है, यानी कुछ पेपर आपके पास कार है, तो ये जो कार वाले हैं कुछ, वो तो सफेद हो नहीं सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि कार के लिए तो पहले मना किया था, तो आपका पहला तो सही है, लेकिन दूसरी बात कोई कागज सफेद नहीं है, ये बात तो कैसे कह सकते हो कि कोई भी कागज सफेद नहीं है, ठीक है, नहीं कह सकते ना, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये गलत है, बिल्कुल ये गलत होगा ऑप्शन आपका, ठीक है। अब ये चीज ध्यान में रखना, ये क्यों आई है, कोई कागज सफेद नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना है, बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, लेकिन आपके जो उसमें होगा नेक्स्ट, आपका अगर डायग्राम बनाओगे तो उसमें आपके संभावना तो इसकी भी है, क्या है, संभावना है इसकी, लेकिन आपका ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, गलत कारण समझ लीजिए, कुछ कागज आपके पास सफेद है, यानी जो कुछ कार है वो तो सफेद नहीं हो सकते, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही होगा, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है, कोई कागज सफेद नहीं है, क्या कोई भी कागज सफेद नहीं है क्या, ठीक है, तो इसमें संभावना हो सकती है कि कोई कागज सफेद ना हो, लेकिन गलत है, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी। अब ऑप्शन देखो, इसमें ऑप्शन आगे नीचे देखते हैं, ठीक है, यदि केवल फर्स्ट सही हो तो ठीक है, चलो फर्स्ट, इसमें तो फर्स्ट अपने हिसाब से तो फर्स्ट सही है, अगर बात करूं मैं फर्स्ट और सेकंड की, इसमें फर्स्ट और सेकंड नहीं है, इसमें फर्स्ट और सेकंड नहीं है, इसमें सभी सही हो, ये भी सही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन भी देखोगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी फर्स्ट जिसमें ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड इसमें कहीं भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन ध्यान में रखना है, ए आपका राइट आंसर होगा, क्लियर है क्या, ऑप्शन अभी देख लेते हैं, ए बिल्कुल सभी का सही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ए आपका राइट आंसर, ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर।
चलो अब हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चनों के लिए। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आप ही के लिए है, ठीक है, जितने मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, ठीक है, अगले वाले क्वेश्चनों का आंसर भी है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है तो ग्रुप में एक दूसरे की शेयर करना है सभी को, ठीक है, ठीक है, सभी को शेयर करना है, जो भी प्रॉब्लम आए पूछिएगा, ठीक है। पूछने से ग्रुप में क्या होता है, एक दूसरे की मदद मिलता है, एक दूसरे क्वेश्चन करते हैं तब भी उनको भी मदद मिलती है, ठीक है, ऑप्शन को समझाने में उनमें बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा क्योंकि टाइम हमारा बहुत ज्यादा हो गया है, वैसे भी 10 मिनट ज्यादा चली गई है। तो अपना ख्याल रखना, रेगुलरिटी बनाए रखना और अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा, फीडबैक अपनी क्लास का जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है साथियों, ठीक है। तो आपको क्लास का फीडबैक देना है, अगर पुरानी क्लासें देखनी है दोस्तों, पुरानी क्लासें जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार दोस्तों पुरानी क्लासों को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सोल्व हो जाएगी, ठीक है। ग्रुप के लिए मैंने कहा है, ठीक है, इस ग्रुप का लिंक शेयर कर दो, किसी के पास हो अगर ग्रुप का लिंक तो यहां पर शेयर कर दो, ठीक है, जिससे सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट साइट पे होता है, सभी को देना है, देखते हैं, ठीक है। किसी को भी अगर प्रॉब्लम आती है साइट से देने के लिए तो आपके पास ये मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, जो भी अगर आपको क्विज देने में प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है, चलो क्विज देने में प्रॉब्लम आती है नंबरों पे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, ठीक है। हाँ, कैलेंडर के बारे में भूला नहीं हूं मैं, जब भी मैं सर से बात कर लिए, सर ने मना कर दिया है अभी कुछ दिनों के लिए, 6 तारीख बाद में आपकी क्लास, जब भी टाइम मिलेगा 6 तारीख बाद में मैं आपको कैलेंडर करवा दूंगा, और भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो हम उसके बाद में ही करेंगे, ठीक है। हाँ, कैलेंडर कर लेंगे, ठीक है, और भी किसी को किसी टॉपिक में, जैसे लॉजिकल रीजनिंग हुआ, कोई भी टॉपिक अगर रहेगा तो उसके हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं कल क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय बाय, अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा क्लास के अंदर, ठीक है। चलो फिर, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है ग्रुप में मैसेज कीजिए।